अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास, चैप्टर नंबर है 12 और लेक्चर नंबर 20, जबकि थ्योरम नंबर है 3। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो राइट एंगल है। उसके अलावा इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, यानी सेमी सर्कल से जो ग्रेटर सेगमेंट होगा उसमें एंगल इज लेस देन अ राइट एंगल, उसमें बनने वाला एंगल राइट एंगल से लेस होगा, यानी लेस देन 90 डिग्री होगा। इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन राइट एंगल, जो सेमी सर्कल से छोटे सेगमेंट में बनने वाला एंगल राइट एंगल से ग्रेटर होगा। फिगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये असल में एक ही सर्कल है, फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 और ये फिगर नंबर 3। अब गिवन में आपके पास क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ सेंटर का एक सर्कल है। मैं बार बार दोबारा बता दूं कि ये एक ही सर्कल है, सिर्फ उसकी तीन कंडीशंस हैं। ए बी इज लाइन सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड of the circle corresponding to arc ADB, arc ADB के correspondence में arc chord AB है, whereas angle AOB, आप हर फिगर में देखें तो एंगल ए ओ बी सेंटर में बनने वाला एंगल है। वेयर एज एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल, एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज सरकम एंगल। ये आपको बताया था कि सरकमफेरेंस पर बनने वाला एंगल सरकम एंगल कहलाता है, ठीक। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है इन फिगर 1, फिगर 1 में कंडीशन क्या है, इफ If ACB, if sector ACB, if sector ACB is a semicircle, if sector ACB is a semicircle, then क्या होगा, central angle, then मेजरमेंट एंगल ए सी बी यानी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, राइट एंगल मीन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाउ इन फिगर 2, इन फिगर 2 if sector ACB, ACB sector क्या था, दो radial segments और एक arc के दरमियान वाला इलाका, यानी the part of the circle which is bounded by two radii and an arc, तो arc ACB है और radial segment है OB और OA, तो ये आपका सेक्टर ए सी बी। इफ सेक्टर ए सी बी इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन सेमी सर्कल, फिगर 2 में देखें तो सेमी सर्कल से ग्रेटर एरिया ये, इस ग्रेटर देन सेमी सर्कल कॉमा देन मेजरमेंट
एंगल ए सी बी यानी सेंट्रल एंगल इज लेस देन वन राइट एंगल, इसको मैं क्लियर करके नीचे लिख देती हूँ, देन मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज लेस देन वन राइट एंगल, इट मीन्स इज लेस देन 90 डिग्री. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इन फिगर थ्री. इन फिगर थ्री, ये फिगर टू थी, ये फिगर वन थी. इन फिगर थ्री इफ सेक्टर सेक्टर ए सी बी इज लेस देन सेमी सर्कल, यानी अगर आपका सेक्टर ए सी बी अब सेमी सर्कल से छोटा सेक्टर है, देन मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन वन राइट एंगल, तो फिर राइट एंगल से ग्रेटर होगा एंगल ए सी बी, यानी सेंट्रल एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा. नाउ मूव टू द प्रूफ. कंस्ट्रक्शन इसमें किसी भी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अब फिर इसको रिपीट करते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट ए बी इज अ कॉर्ड अकॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ गिवन है ये, वेयर एज एंगल ए सी बी इज अ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल एंड स्टैंडिंग ऑन ए डी बी एंड एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल एंड एंगल ए सी बी इज अ सर्कम एंगल स्टैंडिंग ऑन आर्क ए डी बी, दोनों के दोनों एक ही आर्क पर हैं, तो इसलिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सेंट्रल एंगल ए ओ बी है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्कम एंगल है वो है ए सी बी. ये सब कुछ गिवन में था. सच दैट मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टू मेजरमेंट्स ऑफ या डबल ऑफ मेजरमेंट एंगल ए सी बी. ये हम जान चुके हैं कि सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हों तो सेंट्रल एंगल इज डबल सेंट्रल एंगल इज डबल इन मेजरमेंट देन या दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग में जो आर्क पर बनने वाला जो सर्कम एंगल है उससे. ठीक, आपकी बुक में थ्योरम नंबर वन या थ्योरम नंबर टू लिखा होगा, लेकिन आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि सेंट्रल एंगल इज डबल इन मेजरमेंट दैट ऑफ सर्कम एंगल.